हेलो एवरीवन, पूनम की रसोई रसोई की कहानी में आपका स्वागत है। श्राद्ध के दिन चल रहे और श्राद्ध का लास्ट दिन है, तो खाना बना रही हूँ मेरे बूढ़ पुरानिया लोग को चढ़ाने के लिए, सास ससुर के लिए। और आज मैं फुल डिटेल नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े थोड़े क्लिप आपको दिखा रही हूँ और ये मैं फटाफट से खाना बनाऊँगी। ये मैंने खीर चढ़ा दिए हुए हैं, खीर बना रही हूँ जल्दी से, खीर में टाइम लगते हैं। और ये मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हुए, चावल मैंने चढ़ा दिए हुए हैं, चावल भी पक रहे हैं। और ये इतना समय मुझे कम है और काम बहुत ही ज़्यादा है। अब ये मैंने चने की दाल भिगो के रखे थे, इसमें मिर्ची और अदरक डाल करके पीस लेंगे। और ये मैंने तुअर की दाल ली है, इसमें काली उड़द डाली हूँ क्योंकि काली उड़द डालना बहुत ज़रूरी है और बच्चे खाते नहीं, इसलिए तुअर के दाल में डाल देंगे। और मैंने कुकर में डाल दिया है, धो दिए हैं और दाल पानी लगा दी, इसमें टमाटर और मिर्ची डाल दी हूँ, नमक भी डाल दी हूँ। अब इसको कुकर लगा देंगे ढक्कन और गैस पे चढ़ा दी हूँ मैंने। अब ये देखिए सारे फटाफट से काम कर रही हूँ और ये हमारे रात के खाने भी चढ़ जाएंगे और हमारे भी खाने बन जाएंगे, हमारे बोलते हैं ना दोपहर के खाने, लंच। ये देखिए आलू की भाजी भी, आलू और टमाटर की रसेदार भाजी भी बन गए। और ये मिक्स भाजी है, जो एक एक भाजी तो बना नहीं सकते, इसलिए मैंने जितना मार्केट से मिले मिक्स भाजी मैंने लिया। कम से कम इसमें 15 से 16 भाजी हैं। इसको मैंने धो लिए अच्छे से और देखिए छौंक लीजिए, कुछ थोड़े सूखे मसाले डाल करके मैंने इस भाजी को बना ले, बहुत अच्छी भाजी बनती है मिक्स। और ये उड़द की दाल को मैंने पीस लिए थे और ये कचौड़ी के मसाले, इसको मैंने अच्छे से भून ली हूँ। अब ये चने की दाल की पकौड़ी और ये बोलते हैं ना, और ये बरा उड़द और चना की दाल अलग से पीसा, इसमें आलू वड़ी के पान बोलते अरवी के पत्ते उसको बारी बारी कट कर। अब चलिए पकौड़ी भी बना लेते हैं। ये चने दाल की पकौड़ी मैं बना ले रही, मैंने छोटे छोटे डाले क्योंकि हमें चढ़ाने के लिए छोटे छोटे से बना रहे हैं। ये ऐसे ही मैं डाल करके अल्टी पल्टी करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए मैं ये इसको बोलते हैं ना बरा बोलते हैं हम लोग, में बरा बोलते हैं, ये अरवी के पत्ते, हमारे यहाँ अरवी के पत्ते बोलते हैं और सब जगह तो आलू बड़ी के पान बोलते हैं। तो रोल करने का तो समय नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऐसा कट करके ऐसे बरा जैसा या भजिया जैसा बना ली हूँ। ये दूसरे बैच भी डाल दिए। और ये देखो मैंने बेटी को बोला भी, तू भी थोड़ा काम कर ले भाई, बहुत लेट हो रहे हैं, समय कम है, काम ज़्यादा है। तो उसने पूड़ी बेल दी और कचौड़ी भी भर के बेल के रख दी। अब ये सादी पूड़ी मैं डाल के तल लूँगी, छोटी छोटी सी पूड़ी हमने बनाया है चढ़ाने के लिए। ये देखिए इस तरह मैं बना ले रही हूँ। और बोलते हैं ना साल में तो एक ही बार आता है, तो अच्छे से बनाओ और हम खिलाएंगे तो ही बड़े हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए मैं हर साल मेरे सास ससुर का बनाती हूँ, मतलब हमारे सास ससुर दादा जी जो भी ऑफ हो गए हैं तो उनके लिए श्राद्ध का खाना हर साल मैं बनाती हूँ। ये कचौड़ी भी हम ऐसे ही तल ले रहे हैं, ऐसे करके मैंने कचौड़ी भी तल लिया है। ये देखिए दूसरी भी बैच डाल दी हूँ मैं, इसीलिए मैं आज फुल डिटेल नहीं दे पा रही और सारे वीडियो मैंने डाला है ये सब के पहले भी। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, देखिए ये भी मैं निकाल के ले ले रही हूँ कचौड़ी। अब ये थाली भी मैंने लगा दी है, आलू टमाटर की सब्जी, खीर, दाल, कचौड़ी, सादी पूड़ी, पकोड़ा, बरा, चावल और सूखी भाजी। और मैंने केले काट लिए और दही ले ली। अब मेरे हस्बैंड तो आ गए थे, बोले चलो अभी लेके मैं नीचे चल रही हूँ। और ये देखे केले के पत्ते ले लिए, इसमें मेरे हस्बैंड सब खाना लगा दे रहे हैं अपने पिताजी के लिए, अपने दादाजी के लिए, जितने भी बोलते हैं ना बूढ़ पुरनिया होते हैं उनको चढ़ाना ज़रूरी है। तो मेरे पिताजी को भी मुझे चढ़ाना था तो हम चढ़ा रहे हैं। ये देखिए पानी है उसके ऊपर औश दे रहे हैं और ये हम ऐसा रख देंगे। आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब चलिए हमारे हस्बैंड पत्रे पे रख दे रहे हैं क्योंकि ये देखिए इधर बहुत लोग ने खाना रखा है, सब बना बना के डालते गए, हमें थोड़ा लेट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।